ओम वंदे गौ मातरम बंधु, लिखितो क्रांति से मैं हूं प्रभा, आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हमारे यहाँ एक अंधी तौर चली है ब्रांडेड वस्तुओं की। ब्रांडेड चीज़ें खरीदेंगे, कुछ भी हम नहीं लेते, हम ब्रांडेड वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं। लोग हमें ऐसा कहते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। मित्रों, ये ब्रांड होता क्या है? क्योंकि आप जब किसी दुकान पर जाएँ, आपको कोई नया नाम सुनने को मिलेगा, वो भी कहेगा यार ये ब्रांडेड है, ये फलाना ब्रांड है। आप बोलेंगे हमने तो ये कभी नहीं सुना। हाँ, पर आपको पता नहीं, पर ब्रांड तो बहुत अच्छा है ये। अर्थात हर किसी को पता है कि ब्रांड के नाम पे चीज़ें बिकती हैं, लेकिन ब्रांड के नाम पे चीज़ें उतनी महंगी भी हो जाती हैं। मित्रों, हमने कुछ चीज़ें देखी हैं जो बिना ब्रांड की हैं तो बहुत सस्ती हैं, और ब्रांड होने के बाद उसका भाव करीब दुगना हो जाता है, और कई बार तो और भी बढ़ जाता है, उसको हम कह नहीं सकते। मित्रों, और ब्रांड जो है, कई बार व्यक्ति लेने वाले को भी पता नहीं होता कि ब्रांड क्या है इसका, और देने वाले को भी पता नहीं होता, बस ब्रांडेड है इतना बोल दिया, मतलब हाँ सब कुछ सही है, अभी तो उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। मित्रों, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि मैंने बहुत सी ब्रांडेड कंपनियों के भी जूते चप्पल पहने हैं आरंभ में, उसके बाद हमने सामान्य जूते चप्पल भी पहने, और मैंने जो पाया कि ब्रांडेड जो तथाकथित ब्रांड हैं उनके जूते चप्पल उतने नहीं चलते हैं जितने लोकल चलते हैं, यानी कि लोकल ब्रांड के। सबसे कहें तो सबसे अधिक मित्रों मोची के जो जूते चप्पल बनते हैं वो सबसे अच्छे चलते हैं। हाँ, आप कहेंगे वो फैशनेबल नहीं होते हैं, फैशनेबल भी होते हैं यदि उनको उतना धन दिया जाए तो, लेकिन वहाँ लोग मोल भाव इतना अधिक करवाते हैं कि धन देने को तैयार नहीं होते, तो और उनके पास डिमांड इतनी कम होती है कि वो वैसे बना नहीं पाते हैं। क्योंकि आज से हम देख सकते हैं कि हमारे जो पुराने काल में, जो करीब हम कहें तो 1000-1500 साल पहले भी फैशन बहुत अधिक था, लेकिन तब के फैशन में और अब के फैशन में बहुत अंतर है। तब जो वस्तुएं, जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी वो प्रकृति के नज़दीक की जाती थी, या कम मशीनों से जो बनती थी उनको इस्तेमाल किया जाता था, और पर होती सब कुछ थी। मित्रों, हमने आपने भी सुना होगा कि ढाका की मलमल जैसी थी वैसा कपड़ा आज तक कोई नहीं बना पाता। आप सोचिए कि उस समय की तकनीकी कैसी थी, और सामान्य तकनीकी थी वो, तो आज की तकनीकी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। ये आज से अच्छी तकनीकी तब थी। आज जो स्टील के बड़े बड़े प्लांट लगते हैं, उस समय वही स्टील के छोटे छोटे प्लांट जो बैलगाड़ी में ले जाए जा सकते थे उसमें स्टील बनता था, और आज से अच्छा स्टील बनता था। ये हमने राजीव भाई के व्याख्यान में सुना है। राजीव भाई कौन है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने मित्रों को बताइए, चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।